नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसे मार्केट में कौन नहीं जानता। पिछले साल आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। 1985 में 5,000 रुपए से कारोबार की शुरुआत करने वाले राकेश झुनझुनवाला 46.18 हजार करोड़ रुपए के मालिक थे, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी लिस्ट में शामिल है अकाशा एयर। अकाशा एयर ने आज x.com पर, जिसको आप लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं, उस पर एक मार्मिक पोस्ट किया। इस पोस्ट में अकाशा ने राकेश झुनझुनवाला के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं, ये जान लीजिए। आज हम एक दूरदर्शी, एक पथ प्रदर्शक और सच्चे दिग्गज स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला के जीवन का सम्मान करते हैं और उन्हें याद करते हैं। जैसा कि हम उनके निधन की सालगिरह मना रहे हैं, हम भारत की प्रगति पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप और आने वाली पीढ़ियों पर उनके स्थायी प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। श्री झुनझुनवाला भारत की क्षमता में सच्चे विश्वास रखते थे और उन्होंने अकाशा एयर को भारत के चल रहे आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए परिवहन लिंक बनाकर देश की सेवा करते देखा। उन्होंने उस क्षमता का बीजारोपण किया जो अकाशा को हमारे महत्वाकांक्षी रोड मैप पर काम करने में सक्षम बनाता है। हम जल्दी विश्वास करने और एक विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने के लिए हम पर विश्वास करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। श्री झुनझुनवाला में एक अजेय भावना थी। वो हर भारतीय चीज के प्रति बेहद भावुक थे और हमारे कर्मचारी और ग्राहकों की भलाई का बहुत ख्याल रखते थे। अकाशा एयर एक बेहतरीन एयरलाइन चलाने का प्रयास करके हमेशा उनकी विरासत, मूल्यों और हमारे प्रति विश्वास का सम्मान करेगा। बता दें, साल 2022 में राकेश झुनझुनवाला ने अकाशा एयरलाइन के साथ एविएशन सेक्टर में एंट्री ली थी। अकाशा एयरलाइन में झुनझुनवाला ने $35 बिलियन यानी करीब 278 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस एयरलाइन में झुनझुनवाला और उनकी पत्नी की टोटल हिस्सेदारी 40% से ज्यादा थी। अकाशा एयर के लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा था कि बहुत से लोगों के मन में सवाल है, मैंने एक एयरलाइन क्यों शुरू की। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं सिर्फ कहूंगा कि मैं फेल होने के लिए तैयार हूं। कोशिश नहीं करने के बजाय प्रयास करने के बाद नाकाम होना बेहतर है। 37 साल में 5,000 रुपए से 49,000 करोड़ का एम्पायर बनाने वाले भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल और इंडिया के वॉरेन बफे का 14 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक से 62 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला उनके एम्पायर को संभाल रही हैं। 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ रेखा झुनझुनवाला फोर्ब्स की लिस्ट में 446वें नंबर पर हैं। झुनझुनवाला के परिवार में पत्नी रेखा के अलावा बेटी निष्ठा, बेटे आर्यमन और आर्यविन झुनझुनवाला हैं। अब जाते जाते मौसम, मृत्यु और बाजार पर राकेश का क्या कहना था, ये जान लेना बहुत जरूरी है। झुनझुनवाला कहते थे कि शेयर बाजार का कोई किंग नहीं है, बाजार ही किंग है। और आप जानते हैं, बाजार महिलाओं की तरह है, हमेशा कमांडिंग, हमेशा अनिश्चित, हमेशा अस्थिर। और आप वास्तव में कभी भी एक महिला पर हावी नहीं हो सकते, है ना? तो आप बाजार पर हावी नहीं हो सकते। मौसम, मृत्यु और बाजार की आप भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों पर आपको छोड़ दिए चलते हैं और राकेश झुनझुनवाला को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिजनेस।